इस वक्त हमारे साथ एक वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। खो खो से 22 साल बाद आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, आपके लिए या इस खेल के लिए क्या मायने हैं इसके? ये तो बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि खो खो को 22 साल बाद ये अवार्ड चालू हुआ है, वो मेरे थ्रू चालू हुआ है। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे क्रीड़ा मंत्री किरण जी रिजिजू जी सर, एम ए जी त्यागी सर, सुधांशु मित्तल सर और मेहता सर, इनके बदलों की वजह से हमें खो खो को अर्जुन पुरस्कार अभी चालू होना शुरू हो गया। ये बहुत खो खो गेम के लिए बहुत देखा जाए तो खिलाड़ियों को जो 1998 के बाद खो खो को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मेरे थ्रू आज अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ है। अच्छा, आपसे जो बातें कर रहा था उससे आपने बताया कि आपके पिताजी कुछ नहीं करते थे, हैंडीकैप्ड हैं, मदर जो हैं बर्तन मांजती थी, उन सब के बावजूद आपके लिए आपका अपना भी एक संघर्ष था, वो संघर्ष के बारे में जो आप हैं बताएं। देखा जाए तो मेरे पापा हैंडीकैप थे, माँ बर्तन मांजती थी और मेरी नानी घर संभालती थी, और मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं क्या करूँ। तो तभी मैं स्कूल में थे, स्कूल में खो खो का गेम बहुत अच्छे से खेला जाता था, वो मुझे पता चला और मैं खो खो खेलने के लिए गई। मेरे जो गुरु है डॉक्टर चंद्रजीत जादव से, इनके पास गई और वहाँ से लेके जो मेरी जनरी थी जो आज अर्जुन अवार्ड मिला है, देखा जाए तो 15 साल में तक मैं खो खो खेली और 22 नेशनल हुए। वो सब बदौलत ये है कि इंटरनेशनल भी खेला, यस 3 इंटरनेशनल भी हुए मेरे, और साउथ एशियन टीम के मैं कैप्टन भी रह चुकी हूँ, उसमें भारत को गोल्ड मेडल मेरे जब फर्स्ट टाइम मुझे कैप्टनशिप मिली उसी में भारत को गोल्ड में, वो टूर्नामेंट 2016 में गुवाहाटी असम जहाँ हुई थी। अच्छा, आपका अपना भी संघर्ष था, आपने कहीं आप कह रहे थे कि 10 साल आपने सिर्फ एक वक्त का खाना आपको मिलता था। हाँ, देखा जाए तो मुझे एक ही वक्त का खाना मिलता था खेलते खेलते, 10 साल तक खेलते। जब मुझे ये सब ग्लैमर जो मिला है वो सिर्फ खो खो की वजह से ही मिला है। जो खो खो में जो एक प्लेयर को डाइट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता था, तो खो खो की वजह से आज मुझे अच्छे प्रकार का डाइट मिल रहा है। देखा जाए तो प्लेयर इससे पहले ट्रेन में जाते थे, वो अब ग्लैमर कहाँ, आज प्लेयर जो है वो प्लेन में जा रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो सब सिर्फ। अच्छा, लीग भी इसकी शुरू हुई है, तो इससे आपको लगता है खो खो ग्लैमराइज हुआ है? बेशक ओलंपिक्स में नहीं है, लेकिन सुमो भी है जैसे गेम है जापान में, वो भी ओलंपिक्स में नहीं है लेकिन वहाँ उसका एक अलग ग्लैमर है। आपको लगता है खो खो उस तरह का कोई प्लेस अर्न कर सकता है? यस, मुझे तो लगता है क्योंकि खो खो का भी ग्लैमर आना शुरू हो चुका है, मैंने बोल सकती शुरू हो रहा है क्योंकि अभी प्लेयरों को जो वो प्लेयरों को पैसा अकाउंट पे ट्रांसफर हो रहा है, वो प्लेयर प्लेन से प्रवास कर रहे हैं, और देखा जाए तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम खो खो को इम्प्रूव कैसे करे वो देखा जाए तो सुधांशु मित्तल सर होंगे, एम ए जी त्यागी सर होंगे, उनकी बदलों से अब खो खो हाई लेवल पे जा चुका है, मुझे आप कहने में बहुत खुशी हो रही है। खो खो ही क्यों खेला, और भी बहुत सारे, मतलब 20-25 साल में बैडमिंटन काफी आ रहा था और भी लड़कियों के गेम टेबल टेनिस आ रहा था, आप खो खो? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि खो खो देखा जाए तो मिट्टी में खेला जाता है, और खो खो जो एक खेल है वो अभी देखा, अभी मैं जूजी सर के पास ही आई हूँ, उन्होंने बोला कि खो खो मैं भी खेल चुका हूँ, ये बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखा जाए तो आपने क्यों खेला? मैंने क्यों खेला कि देखा जाए तो ये मिट्टी का खेल है, मेरे गांव का ही फेमस गेम है, और देखा जाए तो मेरे गांव में बहुत प्रॉपर गेम है, उसे वजह से मुझे लगा कि मैं खो खो में आ जाऊँ, और खो खो की वजह से आज मेरा बहुत बड़ा करियर हो चुका है। खो खो ये बहुत ऊपर जाएगा, मुझे जब जाएगा तब मैं बहुत प्राउड फील करूंगी, खो खो को अच्छा प्रकार का ग्लैमर आ जाएगा उस टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।